हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप 30 मैनेजरिकल राउंड क्वेश्चंस, जो कि किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अगर ये टॉप 30 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन हो चाहे फ्रेशर्स हो। इस लिस्ट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, बट फ्रेशर्स के लिए भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैनेजरिकल राउंड एक ऐसा राउंड है जिसमें बहुत से लोग छटते हैं, बहुत से लोग रिजेक्ट होते हैं इसमें। मैं भी हुआ हूँ कुछ कंपनीज में। तो वो सारा डिटेल्स, वो सारा चीज़ मैं कलेक्ट करके, मैंने 100+ इंटरव्यूज़ दिया है अभी जो मैंने जॉब स्विच किया है उसमें, तो उन सारा डिटेल्स को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी राउंड के लिए। कोई भी राउंड हो, आपका ये क्वेश्चन पहले मिलने वाला है। तो मैनेजरिकल राउंड में भी ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन मिलने जा रहा है, इसका बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने फ्रेशर्स के लिए एक वीडियो भी बना दिया है, ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन के लिए आप ये बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखता है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। मतलब जो भी आपके पास स्ट्रेंथ हो आप जानते हैं, आप बोल सकते हैं। इसका कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको स्मार्टली इसका आंसर देना है। कुछ लोग ना स्ट्रेंथ बहुत अच्छा बता लेते हैं और वीकनेस भी, अपना जो भी अंदर वीकनेस है वहाँ पे अपना वो बता देते हैं कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे ट्रस्ट इशू है और ये ब्ला 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 बहुत सारा चीज़ बोल देते हैं। बट आपको ये सब चीज़ नहीं बोलना है वीकनेस में आपको एक ऐसा पॉइंट मेंशन करना है जो कि इनडायरेक्टली वो एक आपका स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं, आई यूज टू टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड सम रिक्वायरमेंट समटाइम्स। तो ये आपको लगता है कि सामने वाले को लगेगा कि ये किसी भी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, इट मीन्स ये फोकस करता है रिक्वायरमेंट पे। तो इनडायरेक्टली इट इज़ वन काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ, बट यू आर टेलिंग हिम एज अ वीकनेस। तो इस टाइप का आप वीकनेस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू। इस क्वेश्चन में ना आपको अपना भर भर के तारीफ करना है, अपने बारे में आप जितना बोल सकते हैं, मतलब फेंकना नहीं है, एक दायरे के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी लोगों से जो इंटरव्यू दिए हुए हैं उनसे आप कैसे अलग हैं, आप कैसे इम्प्रेस कर पाते हैं ताकि वो लोग मतलब आप उनको कॉन्फिडेंस में लेना है सामने वाले को, ठीक है, इम्प्रेस कर पाते हैं कि नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बस अपनी तारीफ ही करना है, ठीक है, क्यों, और अपनी तारीफ में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं अच्छा क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो मैं अच्छा गाना गा लेता हूँ, ये सब नहीं बोलना है। सो यू हैव टू कन्विंस देम दैट आई एम द राइट पर्सन टू डू दिस जॉब, राइट। यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर इन सच अ वे दैट उनको कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप इस रोल के लिए बेस्ट फिट हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई यू आर ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब आपको पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको अपनी तारीफ करनी है, इसमें आपको कंपनी की तारीफ करनी है, प्लस आपको ये भी बताना है कि ये जो जॉब रोल है आपके लिए अच्छा है, आप इसमें देखते हैं कि इसमें चैलेंजिंग वर्क है, इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है, कुछ ऐसा इधर उधर का चीज़ नहीं बताना है, मतलब आपके जॉब रोल से रिलेटेड ही होना चाहिए। एंड प्लस कुछ कंपनी का बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं और उसको, उसके बारे में यदि आप जानते हैं, यदि आप इफ यू लाइक दैट कंपनी देन यू हैव टू आंसर इन सच अ वे दैट कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाई यू आर लिविंग योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं
कि वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोलते हैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसमें आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी बैड फीडबैक नहीं देना है, आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना है अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड यदि आप नेगेटिव फीडबैक देते हैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उनको लगेगा कि ये तो फ्यूचर में इस कंपनी के बारे में भी नेगेटिव बोल सकता है आगे। तो आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी गलत या नेगेटिव नहीं बोलना है, चाहे आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट वहाँ पर दिखा हो, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं बोलना है यहाँ पर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स यू एट योर वर्क? क्या ऐसा चीज़ है कि आपको मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम करते हैं? कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है? ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ही ऑनेस्टली आंसर देना है। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर? ये क्वेश्चन मोस्टली एक्सपीरियंस पर्सन से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के थ्रू वो चेक करना चाहते हैं कि सच में आपने काम किया हुआ है कि नहीं, आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, आप पे जब वर्कलोड आएगा तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, आपको प्रिपेयर रहना होगा। इवन यू डिड नॉट हैंडल एनी प्रेशर इन योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन, देन हाउ एवर यू हैव टू प्रिपेयर वन आंसर फॉर दिस, राइट? देन इसमें आपको नो नहीं बोलना है कि मैंने कोई प्रेशर हैंडल नहीं किया है, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन? आप इस क्वेश्चन से वो लोग चेक करना चाहते हैं कि आप सच में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि नहीं, या आप बेंच पे हैं। बहुत सारे एमएनसीज में तो बहुत से लोग साल भर डेढ़ डेढ़ साल तक बेंच पे ही रहते हैं। तो लोग चेक करना चाहते हैं कि आप सच में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि नहीं, राइट? एंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके रखना है। आप यदि काम कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, आप क्या करते हैं तो उसको आप बता सकते हैं। सो बैकएंड डेवलपर हैं तो आप उसके अनुसार अपना आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि आप डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता सकते हैं कि आई इन्वॉल्व इन दिस डिप्लॉयमेंट एज वेल, लाइक दैट यू कैन डू, सो यू कैन आंसर लाइक दैट, देयर इज सैम्पल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी होता है। आप वो लोग जानना चाहते हैं कि आपका विजन क्या है फ्यूचर को लेकर, आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका पर्सनल गोल क्या है। तो वो सारे चीज़ में आपको बहुत ही ध्यान से इसका जवाब देना है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट टू बी लाइक यू सर, आई वॉन्ट टू सिट बिसाइड यू इन नेक्स्ट 5 ईयर, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। ये मतलब हो सकता है कि आपका ये गोल हो कि आप मतलब प्रमोट हो जाए वहाँ तक और आप किसी दिन किसी और का इंटरव्यू ले रहे हो ऐसे, बट आपको ऐसा बोलना नहीं है। आप इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैव यू मेंटर एनी जूनियर्स इन योर करियर? ये क्वेश्चन मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों से पूछा जाता है और लोग टेस्ट करते हैं कि आप में लीडिंग स्किल है कि नहीं, आप किसी को मेंटर कर सकते हैं कि नहीं। एक्सप्लेन द गैप इन योर रिज्यूमे। कुछ लोगों के ना रिज्यूमे में गैप हो जाता है, मतलब स्टडी, तो ये क्वेश्चन प्रेशर से भी पूछा जा सकता है और एक्सपीरियंस से भी। कुछ लोग क्या करते हैं कि 3 साल जॉब करने के बाद 1 साल गैप लेते हैं, या किसी रीजन से या हेल्थ इश्यू से जो भी हो गैप हो जाता है। तो उस चीज़ को आप प्रिपेयर रहिएगा कि यदि आपके रिज्यूमे में गैप है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। यदि आप फ्रेशर हैं, आपके रिज्यूमे में यदि गैप है, ठीक है, मतलब किसी स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट का प्लस टू के बाद 1 साल गैप हो जाता है, किसी का 10th के बाद गैप हो जाता है किसी कारण से, तो उन सब चीज़ों को, एक वैलिड रीज़न नहीं भी हो फिर भी आप एक वैलिड रीज़न प्रिपेयर करके आपको वहाँ पे बोलना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क? मीन्स हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क एट योर वर्क? मतलब आपके पास बहुत सारा टास्क करने को है तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, अपने वर्क को? जब भी किसी प्रोजेक्ट में आपको टास्क मिलता है, 2-3 टास्क करने को साइमल्टेनियसली मिल जाए, तो आप कैसे उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, कौन से टास्क को कब करना है?
कौन से टास्क को पहले करना है, कौन से टास्क को बाद में करना है, तो किस बेस पे आप प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स विथ योर को वर्कर्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, हाउ डू यू रिएक्ट टू एनी मिस्टेक डैट यू हैव डन। राइट, नोबडी इज परफेक्ट हियर, एज अ ह्यूमन बींग वी कैन डू मिस्टेक। राइट, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक होता ही रहता है, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्टली नो नहीं बोलना है कि नहीं मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, आई नेवर डन दैट एनी मिस्टेक। राइट, इसमें आपको प्रिपेयर करना है कि ठीक है, यदि आपने कोई मिस्टेक किया हुआ है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। राइट, एंड प्लस यू कैन मेंशन दैट आई विल डॉक्यूमेंट दिस मिस्टेक एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक इन फ्यूचर। राइट, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज ए सक्सेसफुल पर्सन। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ट्रिकी होता है, इसमें आपको नो नहीं बोलना है, ठीक है। ये मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों से पूछा जाता है, बट प्रेशर से भी पूछ सकते हैं। मतलब आपने जॉब क्रैक किया है, बहुत सारे लोग हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब, बट यू हैव क्रैक दिस इंटरव्यू एंड यू आर प्रोबेबली यू आर गोइंग टू वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर गोइंग टू गेट योर फर्स्ट जॉब, देन यू हैव अचीव समथिंग। राइट, देन वहाँ पे आपको नो नहीं बोलना है, एक्सपीरियंस पर्सन को तो बिल्कुल नो नहीं बोलना है वहाँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स। अगला क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू कैन कमिट टू वर्क विथ अस। राइट, ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है, ये जानना चाहते हैं कि आप कितने दिन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, यदि मैं आपको हायर कर रहा हूँ तो आप कितने दिन इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टेक स्टैक। इस क्वेश्चन के जरिए वो लोग पता करना चाहते हैं कि यदि किसी प्रोजेक्ट में नए टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट हो, यदि उसका रिसोर्स नहीं हो, यदि आपको बोला जाए लर्न करने के लिए, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू बी हैप्पी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। ये क्वेश्चन मोस्टली प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहता है, यदि उनका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा रहेगा कि क्लाइंट आपको क्या बोलते हैं नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए यदि आपका रिक्वायरमेंट हो, तो वो लोग पूछ देते हैं कि ये तैयार है कि नहीं। तो यदि आप तैयार हों तभी बोलिएगा कि हाँ आई कैन वर्क ऑन नाइट शिफ्ट, आई कैन वर्क इन नाइट शिफ्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट इफ यू हैव एनी इशू विथ दैट देन यू से डायरेक्टली नो देयर इटसेल्फ। राइट, क्योंकि आप यस बोल के आपको रिक्रूट कर लेगा, लेकिन बाद में यदि वो आपको नाइट शिफ्ट के लिए भेजेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आप मैनेज नहीं कर पाइएगा, तो इसलिए इसका आंसर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये क्वेश्चन भी बहुत ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव डन टू ऑप्टिमाइज योर कोड, मोस्टली एक्सपीरियंस पर्सन से पूछा जाता है। और यदि आपने काम किया हुआ है तो आप जरूर ही इस चीज़ को जानते होंगे कैसे कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर टीम साइज, तो इसका आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट आर द फ्यू चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर कैरियर एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट। ये क्वेश्चन भी अब बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेंटेन सिक्योरिटी ऑन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्लेन एनी इशू यू हैव फिक्स्ड रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्लेन द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एक्सपीरियंस पर्सन से। क्वेश्चन इज हाउ डू यू राइट यूनिट टेस्टिंग फॉर योर कोड। चाहे आप जावा बैकग्राउंड से हो या पाइथन बैकग्राउंड से हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से हो, यूनिट टेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी डेवलपर के लिए। आपके कोड का यूनिट टेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप किस तरह से उसको अप्रोच किए हैं, किस तरह से लिखे हैं, आपको वहाँ पे बताना होगा। यदि मैनेजर जो है वो टेक्निकली साउंड है तो आपसे वो नेक्स्ट पूछ भी देगा कि आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ किए, कैसे आप उसका यूनिट टेस्ट लिखे, ठीक है। REST API का यूनिट टेस्ट कैसे आप टेस्ट करेंगे गेट रिस्पॉन्स को, ये सारा चीज़ आपको प्रिपेयर करना होगा एंड उसका आंसर आप दे सकते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन इज हैव यू एवर इन्वॉल्व्ड इन टेस्टिंग। राइट, डेवलपर होने का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं होता है, कभी कभी आपको टेस्टिंग में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। राइट, यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है और QA पर्सन को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको उसके साथ बैठकर उस टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू इन्वॉल्व इन टेस्टिंग प्रोसेस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मनी और सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू आर लुकिंग फॉर। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको डायरेक्टली किसी नंबर पे नहीं जाना है, कोई आप नंबर डायरेक्टली नहीं बोलना है कि मुझे
15 लाख चाहिए या 20 लाख चाहिए, ठीक है, आपको एक स्टैंडर्ड, एक सैलरी स्टैंडर्ड होता है, उसके अनुसार आपको एक सैलरी रेंज बताना है उन लोगों को, ठीक है, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड यू ज्वाइन अस, मतलब आप, ये मोस्टली लास्ट क्वेश्चन या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप कब ज्वाइन करेंगे, कितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक रिजेक्ट होने का क्राइटेरिया हो सकता है। उन लोग को बहुत जल्द कोई बंदा चाहिए, लेकिन आपका ज्वाइनिंग डेट, आपका करेंट ऑर्गेनाइजेशन में लिविंग डेट अभी एक मंथ या उससे ज़्यादा बचा हुआ है, और किसी और का 5 दिन में ही ज्वाइन कर सकता है, तो आप वहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो उसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि कब आप ज्वाइन करने वाले हैं, हाउ सून यू कैन ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट, यस। लास्ट में वो लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपके पास भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ब्लैंक नहीं होना है, ऐसा नहीं बोलना है कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो भी बना के आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, बट फॉर नाउ यू कैन टेल लाइक यू कैन आस्क फॉर नाउ यू कैन आस्क देम रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, लाइक वट एवर द यू कैन आस्क देम, इज दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और आई एम गोइंग टू बी ऑन बेंच, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन आस्क दिस, राइट। आप उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के बारे में यदि एक्सप्लेन करने लगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप भी इनकाउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 मैनेजरिकल राउंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। इससे बाहर आपको कोई भी मैनेजरिकल राउंड का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट इज ट्रू देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।